नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने एक 2.5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। ये नर्सिंग का जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो है तो ये यूनिफॉर्म यूज किया जाता है। दूसरा जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उनके लिए यूज किया जाता है। तो इसे हम कैसे बनाए इसकी जो है मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। उसी के साथ आज हम इसकी कटिंग कैसे परफेक्टली किया जाता है इसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है इसके ऊपर जो है तो कितना कपड़ा लगता है इसके बारे में हमें जो है पहले जानकारी लेना है। देखिए ये 2.5 मीटर का कपड़ा है, इसके अंदर हमें पैंट भी बनाना है और इसके अंदर हमें जो है तो उसका यूनिफॉर्म भी बनाना है, यानी दोनों भी सेट भी बनाना है, दोनों भी हमें इसके अंदर इसे तैयार करना है। तो देखिये सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कपड़ा कितना लगता है। देखिये इसको जो है ये कपड़ा तो 2.5 मीटर का है, लेकिन हम अगर हमारा एक्चुअली रियल में कपड़ा अगर खरीदी करने के लिए मार्केट में चले जाए तो हमें जो है तो 44 इंच वाला पन्ना जो है मिलता है। लेकिन अगर 44 वाला पन्ना अगर आपको मिल जाता है तो क्या 2.5 मीटर में आपकी पैंट और सूट हो सकता है क्या? तो इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए जो है तो हमें कपड़े का पन्ना जो है तो वो बड़ा लगता है। जैसे कि आप पैंट खरीदी करने के लिए चले जाएंगे जेंट्स की, तो आपको उनका पन्ना जो है तो बड़ा मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका पन्ना जो है तो लगभग 29 इंच का है, 29 यानी 58 इंच का जो है इसका पूरा पन्ना है। इसलिए जो है तो हमारा ये कपड़ा जो होता है तो इसमें ये कपड़ा बैठ जाता है। अब हम आपको इसकी जो है पहले सूट की कटिंग कैसी होती है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिये अब यहाँ पे जो है तो सिंगल घड़ी लिए हुई है, अब हमें क्या करना है इसे हाफ घड़ी में ही डबल करना है। तो मैं यहाँ से इसे हाफ घड़ी में डबल कर लेता हूँ। ये पूरा पन्ना हमारा और इधर है। जब भी आप पैंट का जो कपड़ा खरीदी करेंगे तो आपको पन्ना जो है तो बड़ा मिल जाता है। अब देखिए जिससे हम कटिंग करने वाले हैं पहले उसकी माप की जानकारी हम आपको दे देते। लंबाई जो है हमने 25 इंच की ली हुई है, चेस्ट 34 है, कमर जो है तो 30 इंच का है, हाथ लंबाई जो है तो 7 इंच की है, दंड गोलाई जो है तो हमारी 12 है, आर्म राउंड जो है तो हमारा 17 इंच का है, फ्रंट नेक हमारा 6.5 है, बैग नेक तो हमने 2 इंच रखा है, उससे भी हम कम रख सकते हैं, और सीट का मेजरमेंट जो है तो हमारा 38 का है। अब हमें जो है इसका माप डालना है, तो हम माप कैसे डालेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप नीचे के साइड में लेंगे 1.5 इंच फोल्ड के लिए, जो हमें फोल्ड लगाना होता है वो, तो ये 1.5 इंच का मार्किंग हमारे यहाँ पे हो चुका है। अब हमें जो है तो यहाँ से पूरी लंबाई लेनी है। अब पूरी लंबाई जो है तो हमारी कितनी है, 25 इंच की हमारी पूरी लंबाई है। तो यहाँ पे जो है तो हम 25 इंच प्लस आधा इंच के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं और ये लाइन भी हम यहाँ से इसे स्ट्रेट दे देते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से अगर एल अगर आप जो है स्केल यूज करते हैं तो हमारी जो लाइन होती है वो सीधी सीधी आ जाती है, हम इसे मैच करते हैं और इधर लाइन दे देते हैं। अब ये जो लाइन हो चुका है तो सबसे पहले हम जो है निकालने वाले है हमारा फ्रंट साइड और उसके बाद में हम निकालेंगे हमारा बैक। अब देखिये यहाँ से मैं जो हूँ तो मुंडा डालूंगा। अब मुंडे का माप जो है तो मेरे पास है नहीं है, लेकिन आप मुझे कैसे डालना है तो देखिए जो भी हमारा चेस्ट का माप है उसका आपको करना है चौथा भाग। अब चौथा भाग हमारा कितना आएगा तो 8.5 हमारा चौथा भाग आएगा। तो सिंपली उसमें से हम 1 इंच कम करके माप डालेंगे। अगर 8.5 है तो हम उसमें से 1 इंच कम कर रहे हैं, यानी 7.5 इंच के ऊपर हम ये मार्जिन डाल रहे हैं। देखिए हर तरीका अलग अलग होता है, हम नॉर्मली जो सूट बनाते हैं उसका जो मुंडा डालने का तरीका अलग रहेगा, बंद गला भी होगा तो भी, और जो हम अलग जो सूट बनाते हैं सभी प्रकार के तो सभी में अलग अलग आप मुंडा डालने का टेक्निक अलग होता है। तो यहाँ पे जो है तो पहली बार आपने जो है मेरा देखा होगा वीडियो, तो इसके अंदर मैंने कुछ अलग बताया आपको मुंडा डालने का, और जो बंद गले होते हैं उसमें अलग बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है तो हमने मुंडा कैसे डाला है तो चेस्ट का चौथा भाग किया, उसमें से 1 इंच माइनस किया हुआ है। अब हम जो है तो लेते हैं हमारा शोल्डर। अब हमारा शोल्डर जो है तो यहाँ पे तो शोल्डर जो है तो हमें डालना है 16 इंच का, तो 16 का आधा कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 8 और हमें इसे सिलाई के लिए लगेगा आधा इंच, यानी ये पूरा मिला के होगा 8.5 इंच। लेकिन ध्यान दीजिए ये मैंने 8.5 इंच डाला है तो यहाँ पे मैं लगभग 1 इंच कम करके माप डालूंगा। देखिए जितना ये मेजरमेंट है उससे मैंने 1 इंच जो है इसे अंदर करके माप डाला है और यहां से ये लाइन हमारी पूरी तरह से क्रॉस हो चुकी है। आप देखेंगे कहीं डिजाइनर जो होते हैं वो इस तरह से मेजरमेंट डालते हैं, तो आपको भी अगर परफेक्टली मेजरमेंट चाहिए होता है तो आप इसी तरह से जो है मेजरमेंट कर लेंगे। अब मेरा माप जो है तो 34 इंच का है, चेस्ट जो है 34, तो 34 का देखिए ये 8.5 इंच होता है।
लेकिन ये पूरी तरह से हमारे सूट के जैसे टाइट नहीं होता है, तो हम इसमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे, सॉरी हम इसमें जो है लूजिंग तो 1.5 इंच का लेंगे। तो ये मेरा कुल मिला के 10 इंच हो जाता है। यहाँ पे मैं 10 इंच के ऊपर मार्किंग करता हूँ, लेकिन कहीं मैं इसके अंदर 2 इंच का 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखूंगा। मैं ज्यादा सिलाई मार्जिन नहीं रखने वाला हूँ, ये आपको समझना है। अब यहां से हम बॉडी लंबाई जो है तो ये डालते हैं 14 इंच के ऊपर, जिसे कमर लंबाई भी हम कहते हैं। अब कमर का माप जो है तो मेरा है 30 इंच का, तो यहाँ पे 30 का मैं चौथा भाग करूंगा, उसमें भी मैं 1.5 इंच मिलाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा ये माप आ चुका है 9 इंच। आगे में यहाँ पे 0.5 इंच की सिलाई मार्जिन कर लेंगे। आप जो है तो मैं सीट की तरफ चला जाता हूँ। सीट है मेरा 38 का मुझे चौथा भाग करना है, तो मेरा 38 का चौथा भाग आएगा वो आएगा 9.5, और उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगा, 1.5 इंच नहीं, और ये 0.5 इंच सिलाई। अब यहां से जो है तो ये सभी लाइन हमें मिलानी है। देखिए तो इस तरह से जो है हमारा ये फ्रंट बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है तो यहां से लगभग हम डालेंगे 0.25 इंच अंदर, और ये होता है हमारा फ्रंट सेट कैसे दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहले तो ये हमारा बैक साइड कटिंग होगा, देख सकते हो, पहले तो ये हमारा बैक साइड कटिंग होगा। देखो परफेक्ट मेजरमेंट निकालना है तो आपको इसी तरह से जो है माप डालना होगा। देखिए ये हमारा बैक साइड है, अब हमें जो है तो यहाँ पे इसका फ्रंट बनाना होता है, लेकिन पहले हम जो है तो दोनों पीस काटेंगे और उसके बाद में फ्रंट काटेंगे। तो अगर हमें फ्रंट का सेट देना है तो किस तरह से दिया जाता है, लगभग इसके बीच में हम 0.25 इंच का गैप रखते हैं, यानी 1.25 इंच कम, यानी इतना 1.25 इंच कम, तो ये गैप हमारा इतना होता है। और यहां से हम जो है तो इसे दे देते हैं अंदर से मुन्ना से। ये हमारा होता है फ्रंट शेप होता है, क्या होता है फ्रंट शेप होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी हमारा सूट कोई अलग कटता है तो वो किस तरह से कटता है, यहां से लगभग मैं जो हूं तो 1.5 इंच इसका नीचे शेप दूंगा। देखिए हमने हर टाइम देखा होगा, आपको किसी ने कहा होगा 0.5 इंच, किसी ने कहा होगा 0.25 इंच, किसी ने कहा 1 इंच, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हमारी कटिंग होती है। तो यहां पे हमने इसी लिया है 1.5 इंच। अगर आप इस तरह से कोई भी सूट कटिंग कर रहे हो, यूनिफॉर्म के लिए कटिंग कर रहे हो, तो आप 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे। अब हमें रखना है गले का गैप, तो गले का गैप कैसे रखा जाता है ये हम आपको इसके अंदर बता रहे हैं। जो भी हमारी चेस्ट है, जैसे कि हमारी 34 इंच की चेस्ट है, तो उसका हमें 12.5 इंच लेना होता है। कितना लेना होता है, 12.5, तो वो हमारा कितना होता है, तो 0.75 इंच हमारा 12.5 होता है। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग होने के बाद जो है तो मैं यहां से इसको इस तरह से लाइन दे देता हूं। क्या किया हमने, इस तरह से लाइन दिया है और ये बन चुका है हमारा फ्रंट। अब हमें इसे कट करना है। देखिए पहले हम जो है तो बैक साइड कट कर रहे हैं, सॉरी पहले हम जो है तो फ्रंट साइड कट कर रहे हैं, उसके बाद में हम बैक साइड कट करेंगे। बैक भी कैसी कटिंग होती है इसके बारे में मैं आपको बताने ही वाला हूं। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे इतनी जगह पे कट लगाना है, तो ये लगभग कितने के ऊपर होता है, पहले तो ये हमारा 1.5 इंच होता है जो मार्किंग किया है, इसके ऊपर हम लेंगे 3 इंच। तो इसके ऊपर जो है हमें नॉच लगाना है, ताकि हमें पता चले यहां से हमें कट लगाना है। छोटा सा कट होगा, इसमें ज्यादा बड़ा कट नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि हमें अभी इसके ऊपर जो है तो पॉकेट लगाना है, तो हम पॉकेट कैसे लगाएं, तो देखिए कमर से जो हमारी कमर होती है उससे लगभग 3 से 4 इंच आप नीचे लेंगे, तो मैं यहाँ पे 4 इंच के नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे एक मार्किंग करके रख देता हूँ। आप जो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मार्किंग जो है हमारी दूसरे साइड में भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे मार्किंग करके रख दिया है। अब ये हो गए हमारा फ्रंट कट, अब हम बैक की तरफ चले जाते हैं। अब देखिए ये हमें बनाना है बैग, तो बैग के लिए हम ऐसे ये जो बचा हुआ कपड़ा इसे डबल कर लेते हैं और हम इसके ऊपर इसे डाल देते हैं। अब देखिए ये हो गए हमारी डबल घड़ी। अब पहला एक पीस तो हमने इसके ऊपर निकाला हुआ है, अब दूसरा पीस हम इसके ऊपर रखेंगे। देखिए इसको जो है घड़ी के ऊपर घड़ी रखना है, कहीं आगे इसे बटन तो है नहीं है जो करके हम इसे ओपन रखे। तो ये हमारा जो है वन साइड है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो है मार्किंग कर लेना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी जो है जैसे वैसे मार्किंग करके ले लेंगे। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इसे मार्क कर रहे हैं। अब मार्क करने के बाद जो है अगर हम इस पीस को उठा भी लेते हैं तो हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा।
देखिए अब इस तरह से जो है तो यहाँ पे ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम जो है तो जहाँ पे फिटिंग है, जहाँ पे कमर है, उसका भी हमने जो है नॉच लगा के रख दिया, यानी मार्किंग करके रख दिया है। इस पीस को मैंने रखा है इस साइड में, लेकिन मुझे जो है तो गले का भी मार्किंग यहाँ पे करके ले लेना है। तो अब इस पीस को जो है मैंने रखा है साइड में, अब मुझे बनाना है बैग। तो बैग कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिये आपने जो है तो इसके अंदर आधा इंच जो है खंदा उतार ना देते हुए डेढ़ इंच का दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहां से इसे डेढ़ इंच ऊपर उठाना है। क्या करना है हमें, इसे डेढ़ इंच ऊपर उठाना है यहाँ पे, और यहां से यहाँ पे भी डेढ़ इंच उठाना है। और ये लाइन जो है तो हमें देनी है यहां से यहाँ पे सीधी। अब देखिए यहां से हमने डेढ़ इंच उठाया, यहां से डेढ़ इंच उठाया, और यहां से हमने दिया इसे इस तरह से क्रॉस। अब हमें जो है तो ये गला होगा हमारा बैग का, और इस बैग को हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। हम क्या कर लेते, इस तरह से मार्किंग कर लेते। तो ये इतना ही बड़ा हमारा गला बनेगा, इससे ज्यादा हमारा गला नहीं बनता है। आप जो है तो हमारी बैग भी जो है तो हम कट कर लेंगे, लेकिन यहां से जो है तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए हमने जो है तो पहले जो है बैग का जो शेप दिया है उसे काट रहे हैं, और जो हमारा फ्रंट बना है तो अभी हम तुरंत उसका आगे का भी जो है तो शेप कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम नॉच लगा देते हैं ताकि हमें पता चले दोनों के नॉच जगह पे आ रहे। आप जो है तो हम जो है आगे का शेप लेते हैं, और आगे का भी शेप यहाँ पे मार्किंग करके रखा हुआ है, आप सभी देख रहे हैं, और यहां से हम जो है तो इसे भी कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट होगा और वो हमारा बैग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हमने आगे का जो कोई गला नहीं काटा है, क्योंकि हमें गला जो है अलग तरीके से इसे बनाना है। आप जो है तो हम इसके काटते हैं स्लीव्स। अब देखिए हमें निकालना है स्लीव्स। स्लीव्स किस तरह से निकाली जाती है ये हम आपको इसके अंदर बता रहे। देखिए अब हमारा ये डबल घड़ी है और इसे हम और डबल कर रहे हैं। आप देखिए यहां पे मैंने इतना इसे जो है घड़ी डाला हुआ है। आप जो है तो मुझे थोड़ा सा अलग मेजरमेंट करना है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल ड्रेस की जो कटिंग होती है वो अलग होती है स्लीव्स की, और इसकी अलग होती है। देखिए ड्रेस के लिए हम एक इंच रखते हैं, लेकिन इसके लिए हम जो है यहाँ पे डेढ़ इंच रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेढ़ इंच रखेंगे। इस डेढ़ की हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। यहां से हमारी जो स्लीव्स लेंथ है वो है 7 इंच का, तो यहाँ पे मैं 7+2 के ऊपर मार्किंग कर लेता हूँ। ये मार्किंग होने के बाद यहां से मुझे जो है तो चेस्ट मेरी 34 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच के ऊपर मुंडा खोली दूंगा। आप नॉर्मली 3 भी दे सकते हैं, लेकिन शर्ट के लिए जो है तो आपको ज्यादा मुंडा खोली देना होता है। कभी कभी हम 4 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन ये कॉमन जो है तो हमें 3.5 इंच रखना है। अब हमने जैसे ड्रेस के फ्रंट के लिए जो चौथा भाग किया था चेस्ट का, वैसे ही करना है, और उसमें से 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग कर लेना है आगे की हमारी 1.5 इंच की सिलाई। आप जो है तो आगे की जो गोला ही दंड गोलाई जो हमारी है तो वो है हमारी 12, 12 का आधा हमारा 6 होता है, और ये 1.5 इंच हमारी सिलाई मारती है। ये दोनों मिला दिया, यहां से ये भाग इधर चला जाएगा, इधर ये क्रॉस में इसलिए रखना है। मैं आपको रियल में कटिंग करके इसे दिखा देता हूँ। यहां से आप जो है तो शेप कैसे देना है इसे भी मैं जो हूँ आपको समझा देता हूँ। देखिये पहले हम जो है यहां से यहाँ पे 2 इंच से मार्किंग कर देते, कितना मार्किंग करते, 2 से 2.5 इंच तक हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते। देखिए 2.5 इंच तक समझो ये मार्किंग हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे एक सीधी लाइन दे देंगे। अब देखिए ये और ये पीस हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे नॉर्मली इस तरह से राउंड कर लेना है। क्या करना है, इस तरह से हमें नॉर्मली राउंड करना है, जो 1.5 इंच का गैप हो सके। अब यहां से आने के बाद थोड़ा सा हम इस तरह से अंदर से कर्व देंगे। क्या करेंगे हम, इस तरह से अंदर से कर्व देंगे। तो देखिए मैं अभी आपको ये स्लीव्स कटिंग करके दिखा देता हूं, ये कैसे दिखाई देता है। अब देखिए मैं इसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा नॉर्मली ये हो गया। अब यहां से हम इसे भी कट कर देते हैं, और पूरा आपको जानकारी दे देते हैं कि स्लीव्स के लिए क्रॉस क्यों काटा गया है ये। तो देखिए जब भी मैं इसे फोल्ड करूंगा तो ये इस तरह से इसको टच हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको टच। अगर हम सीधा काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, और वो अंदर से अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको कटिंग करते समय भी इन बातों के ऊपर भी काफी ध्यान में रखना होता है, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। ये दोनों सेंटर का मार्किंग कर दिया, और यहां से इसे हमने आगे का शेप देना है। अब आगे का शेप भी देना है तो कैसे देना है, देखिए इन दोनों का सेंटर कर दीजिए, 8.5 है तो हमारा कितना आएगा, 4.25 आ जाएगा। अब 4.25 आ जाएगा तो यहां से 1.25 यानी 1.25 इंच के ऊपर मार्किंग कर दीजिए।
यहाँ से ये जो हमारा 1.5 इंच होता है वहां से थोड़ा सा करते हुए चले जाइए और आप चले जाइए अंदर की ओर। आगे मिल गए हम। अब यहां से हमें कम करते हुए चले जाना है, तो हम कम करते हुए इधर आ गए। तो ये से पहले ही 1/2 इंच मिलाना है, ये जो हमारी फिटिंग होती है उससे पहले 1/2 इंच मिलाना है आपको, ताकि अगर फिटिंग हमारी यहां पे भी आ गई तो हम इसे सही से कर सके। यहां पे जो है तो हमारी पूरी तरह से यहां पे स्लीव्स कट हो चुकी है। तो इसी तरह से आज का वीडियो जो है तो यहां पे हमारा एंड हो जाता है, और इसका स्टिचिंग का वीडियो जो है तो हम जो है पार्ट 2 में बना रहे हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप जो है तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि आपको इसका स्टिचिंग का भी वीडियो बना सके। आप जो है तो ये क्या हो जाता है कि अगर हम इतना बड़ा वीडियो बनाए तो ये लगभग ज्यादा से ज्यादा जो है लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि काफी वक्त तक इसे देखना होता है। तो हम जो है आपको थोड़ा शॉर्टकटली वीडियो बना के एक एक स्टेप में डाल रहे हैं, तो आप जो है जरूर उसे देखिए।